जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने डाटाबेस से मैच करवा सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम अपने डाटाबेस में जाएंगे। तो हमने डाटाबेस पहले से क्रिएट किया था फर्स्ट नेम सेकंड नेम से। तो देखिए, इसको आप फर्स्ट नेम मान लीजिए या फिर इसको यूज़र नेम मान लीजिए और इसको पासवर्ड सपोज कीजिए, कर सकते हैं आप। या फिर आप अपना खुद का एक नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप चलते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक क्रिएट करेंगे मॉडल। और मॉडल क्यों क्रिएट करेंगे, इस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, हम पूरा डाटाबेस का कोड रखेंगे, क्वेरी का कोड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम डाटाबेस को लोड करवा लेते हैं ऑटो लोड में, क्योंकि डाटाबेस को हम यूज़ करने वाले हैं और बहुत जगह यूज़ होता है डाटाबेस, इसलिए से ऑटो लोड में यूज़ करवा लेते हैं। तो ऑटो लोड देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो लोड, और जाएंगे लाइब्रेरीज़ में और वहाँ पर डाटाबेस को लोड करवाएंगे। देखिए, लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ यहाँ लाइब्रेरीज हमारा यहाँ पर हमें लोड करवाना है। तो लगेंगे सिंगल कोटेशन और लिखेंगे डाटाबेस इस तरीके से, और यहाँ पर आप इसे कर लीजिएगा सेव। डाटाबेस में फाइल में देखते हैं सब कुछ हमारा सही है या नहीं। पहले हमने शायद 5-6 पहले इसको सेट किया था, लोकल होस्ट, यूज़र नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम नहीं है पासवर्ड, यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड हमने नहीं दिया है, डाटाबेस का नेम है हमारा, डाटाबेस का नेम भी दे देते हैं। डाटाबेस का नेम अगर हम देखें, डाटाबेस का नेम है हमारा विजय CI, तो यहाँ इसे ये भी पास कर देते हैं विजय CI इस तरीके से, और बाकी सब हमारा सेम रहेगा। अब हम कनेक्ट क्रिएट करते हैं अपना एक मॉड्यूल। तो जब अपने जाएंगे मॉड्यूल्स में, सबसे पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, जाएंगे मॉड्यूल्स पे, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नेम देते हैं हम, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि सेव करते हैं लॉगिन मॉड्यूल दे देते हैं इसे नेम model.php इस तरीके से, इसको कर लेते हैं सेव। सेव कर लिया, अब हम इसमें करेंगे पूरा अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इस तरीके से PHP और यहाँ पर लिखते हैं क्लास, और इस क्लास का नेम देंगे लॉगिन मॉड्यूल। एक्सटेंड करेंगे मॉड्यूल्स को CI_module, एम ग्रेट होगा आपका ऐसे मॉडल। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, और ये फंक्शन को नेम देते हैं लॉगिन, लॉगिन अंडरस्कोर वैलिड, ताकि हमारा डाटाबेस से यूज़र की वैल्यू लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम और कॉमा लगाएंगे, और फिर दूसरी चीज़ लेनी है पासवर्ड। तो यहाँ लिखते हैं पासवर्ड इस तरीके से, ये हमने दो चीज़ में पास कर दी, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिखते हैं क्वेरी, तो उसे एक वेरिएबल में सेव करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखते हैं फिर इजिकल टू, और फिर लिखेंगे डॉलर का साइन, लगाएंगे दिस, एरो का साइन, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले DB, क्योंकि हमने डाटाबेस लोड करवा लिया अपने ऑटो लोड में, तो यहाँ पर लिख रहे हैं DB, और उसके कौन से मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, हम वेयर को यूज़ कर रहे हैं, वेयर इस तरीके से। इसके अंदर एक एरे बनाएंगे, यहाँ लगाएंगे सिंगल कोटेशंस, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम इजिकल टू डॉलर का साइन, यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड इजिकल टू डॉलर का साइन पासवर्ड इस तरीके से। ये दोनों चीज़ हम ले लेंगे यहाँ से, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, गेट करना है इसे, तो यहाँ पर इसे लगाते हैं एरो का साइन, इसे लिखेंगे गेट यूज़र इस तरीके से, वो भी सिंगल कोटेशंस के अंदर। और देखिए, गेट कहाँ से करना है, वो हम नेम देंगे, माई डाटाबेस का नेम होगा जो है यूज़र्स, यहाँ पर डालेंगे यूज़र्स इस तरीके से, यहाँ पर लगाएंगे सेमी कोलन इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम लगाते हैं एक इफ़ की कंडीशन, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई डाटा है भी या नहीं है, उसके हिसाब से हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं क्यू गोट एरो का साइन, यहाँ पर लिखेंगे नम अंडरस्कोर रो, क्योंकि देखिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा, या वन रिटर्न करेगा या उससे ज़्यादा, अगर ज़ीरो रिटर्न करेगा तो हम फॉल्स एल्स की कंडीशन चला देंगे, तो ये हमारा नंबर में रिटर्न करेगा वैल्यू, और इससे एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है ट्रू, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रू इस तरीके से, ये हम रिटर्न करवा देंगे।
अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स पार्ट में हम लोग फॉल्स, अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी हमारे डाटाबेस में तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न रिटर्न फॉल्स, इस तरीके से सेव करते हैं इसे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है अपने, क्या बोलते हैं, जो हमारा, अगर हम जाएं यहाँ पर नहीं, वेलकम डॉट पी एच पी में, यहाँ पर इसे हमें यूज़ करना है, इस क्या कहते हैं वैलिडेशंस को यूज़ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, ये सब हमने कर लिया था पहले से ही, दिस वैलिडेशन सेट रूल्स कर लिया था, दूसरा हमने यूज़र नेम पासवर्ड ले लिया था, ये प्रिंट भी करवा लिया था, तो प्रिंट नहीं करवाएंगे अब तो हमें चेक करवाना है। तो इस तरह से इसको करते हैं डिलीट, सबसे पहले इसे भी डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा लंबा कोड लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस, लोड कर रहे हैं अपने मॉड्यूल को, तो यहाँ लिखेंगे लोड, एरो का साइन, यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल, और फिर देंगे मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल का नेम हमारा लॉग इन मॉड्यूल, इस तरीके से यहाँ लगाएंगे सेमाई कोलन। और फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाते हैं इफ़ की कंडीशन, इफ़ डॉलर का साइन दिस, एरो का साइन, यहाँ पर लिखते हैं लॉग इन मॉड्यूल, फिर से एरो का साइन, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग इन अंडर स्कोर वैलिड, ये हमारे फंक्शन का नेम है जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, और इसके अंदर हमने क्या यूज़ किए थे, सबसे पहले एक यूज़र का नेम, और दूसरा चीज़ हमने कॉमा लगाएंगे, डॉलर का साइन, और यहाँ पर होंगे पासवर्ड, इस तरीके से दो चीज़ हमें लेनी है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इको करवाएंगे, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यूज़र पासवर्ड आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करवाएंगे, पासवर्ड मैच, अगर हमारे पासवर्ड मैच हो जाएंगे तो पासवर्ड हम लिखते हैं मैच इस तरीके से, और अगर पासवर्ड नहीं मैच हुए तो हम लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्स की कमांड, यहाँ पर लिखते हैं इको डबल कोटेशंस, और इसके अंदर लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच, लगाएंगे सेमाई कोलन। उसके बाद एक और चीज़, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने डाटाबेस में नेम चेंज ही कर दिया है इसका, यूज़र नेम और पासवर्ड ही कर दिया है, ताकि बाद में अगर हम यूज़ करें इसे तो आसानी पड़े। यूज़र नेम और पासवर्ड, ये विजय है यूज़र नेम, मनराल हमारा पासवर्ड है। तो देखिए, यूज़र नेम तो डाला हुआ है, अब देखिए पासवर्ड डालते हैं, MANRAL, मैंने पासवर्ड डाला मनराल, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारा आ रहा है आउटपुट पासवर्ड मैच। और अगर मैं कुछ भी डालती हूँ इस तरीके से, मैंने कुछ भी डाल दिया है, क्लिक करूँगा तो लिखा रहा है पासवर्ड नॉट मैच। तो इस तरीके से आप डाटाबेस से वैल्यू लेके फेच करके उससे अपनी चलते हैं जो ईमेल और यूज़र पासवर्ड है इससे मैच करवा सकते हैं और हमें एक नया आउटपुट दे सकते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे सेशन का। तो देखिए, सबसे पहले सेशन को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लोड कराना पड़ेगा। और सेशन क्या है, हमारी एक लाइब्रेरी है। तो देखिए, सबसे पहले सेशन को हम लोड करवा लेते हैं, फिर उसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर, जैसे हमारा कोई भी यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, सेशन लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस, एरो का साइन, फिर लिखेंगे लोड, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी को लोड कराएंगे। तो यहाँ लिखते हैं लाइब्रेरी, और इसके अंदर हम नेम लिखेंगे सेशन, सेशन हमने लोड करवा लिया। अब देखिए, इसमें यूज़ करते हैं इसे, तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले इस तरीके से दिस, और यहाँ पर लिखेंगे सेशन, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सेट यूज़र डाटा, इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमें दो चीज़ चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक आईडी। आईडी अब हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि हमने सिर्फ दो चीज़ ली है यहाँ से, यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर हम अपने यहाँ पर जाएं, देखिए ब्राउज़र में यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है, अगर हम अपने पीएचपी एडमिन में जाते हैं, देखिए पीएचपी एडमिन में जाते हैं एक बार,
यहाँ पर हमने जब डाटाबेस क्रिएट किया था तो हम वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आईडी हमने क्रिएट करने के लिए बोला था कि जैसे जैसे हम यूज़र को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, कहते हैं आईडी को इंक्रीज़ करते जाना है, 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारी आईडी। तो अगर हम अपने डाटाबेस देखें या चेक करें तो देखिए यूज़र्स के अंदर हमें यहाँ पर आईडी मिल जाएगी। देखिए आईडी है 1 2 3 और आईडी क्या है हमारी, यूनिक है। तो सेशन में यूनिक आईडी इसलिए यूज़ करते हैं, देखिए अगर सेम नेम के सेशन हो जाएंगे तो उसमें आ जाती है प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी एक्सेस कर पाएगा किसी का भी साइट। तो देखिए जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी कितनी बड़ी वेबसाइट होती है, जैसे चैटिंग साइट होती है, उन सबका एक अलग सेशन होता है, और जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो यूनिक, जैसे आपका अगर नेम यूनिक है या फिर आपकी आईडी यूनिक है तो वो चीज़ सेशन में स्टोर हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप बाद में जब अपना ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं, उसके बाद जब लॉगिन क्लोज करने के बाद जब अपना ब्राउज़र खोलते हैं तो फिर भी आप लॉगिन कर पाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आप वही सेशन वाले हैं जो जिसने पहले लॉगिन किया था। अगर कोई दूसरा सेशन वाला आपका लॉगिन करना चाहेगा तो लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सेशन का यूज़ करेंगे आईडी के नेम से, क्योंकि ये होती है हमारी यूनिक, और हमने यूनिक दी भी है, ये हमने प्राइमरी की दी है, और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। तो देखिए ये चीज़ अब लेंगे कहाँ से हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कोड में। तो आईडी तो हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने, अगर हम देखें जहाँ पर हमने अपने डाटाबेस का कोड लिखा था लॉगिन वैलिड का, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हमारा वो है मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स, और यहाँ पर है लॉगिन मॉड्यूल, इसके अंदर हमारा देखिए लॉगिन वैलिड है। यहाँ पर से हम लोग क्या पास करवाएंगे, देखिए हम यहाँ पर सिंपल एक रिटर्न ट्रू पास करवा रहे थे कि हमारा कोई डाटा है या नहीं पूरे डाटाबेस में, अगर मिल रहा है तो ट्रू पास कर देना वरना फॉल्स पास कर देना। तो हम अब सिर्फ ट्रू पास नहीं करवाएंगे, अब हम क्या पास करवाएंगे, हम उस यूज़र की आईडी पास करवाएंगे। तो देखिए ये सेम रहेगा कोड, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या लिखना है, एक कोड लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है इस तरीके से रिटर्न, और फिर लगाना है डॉलर का साइन, क्यू एरो का साइन, एरो का साइन यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले रो इस तरीके से, फिर लिखेंगे देखिए ये इतना सा कोड आपको क्या देगा, ये कोड आपको सबसे पहला जो कहते हैं आपका, सबसे पहला जो आपका नेम होगा वो दे देगा, उसकी आईडी चाहिए हमें, उसकी आईडी हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए जो ये नेम है, जो हम नेम और पासवर्ड यहाँ पास करेंगे, तो वो किस में स्टोर हो जा रहा है, उसका क्यू में स्टोर हो रहा है, क्यू से पहली रो की पहली आईडी हमें मिल रही है इस कोड से, यहाँ पर से हम ये चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने सेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पीएचपी में जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर जाएंगे कोड में, यहाँ पर हमें चाहिए वो सेशन। तो देखिए एक चीज़ और काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं डॉलर साइन लॉग इन अंडर स्कोर आईडी इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या करते हैं इसे पास करवा देते हैं। अब देखिए जो रिटर्न होगी चीज़ वो हमारी कहाँ पर पास हो जाएगी, यहाँ से इसको करते हैं कट और इसे करते हैं यहाँ पेस्ट, वो सेव हो जाएगी लॉगिन आईडी में, जो जो हमारी रिटर्न हो रही है वहाँ से, जो भी आईडी रिटर्न होगी हमारे यहाँ पर से, अगर हम देखें सॉरी यहाँ से नहीं, लॉगिन मॉड्यूल, यहाँ से जो कहते हैं आईडी पास होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, लॉगिन आईडी में आ जाएगी। हम यहाँ पर चेक कराएंगे कि लॉगिन आईडी है या नहीं, और ये लॉगिन आईडी में क्या होगा, ट्रू। ट्रू काम कब करता है आपका, जैसे कि 0 से कोई भी वैल्यू ऊपर होती है तो ट्रू हो गया आपकी वैल्यू, 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यू ट्रू हैं, और जैसे 0 हो गई और -0 से कम हो गई तो बस वो चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं। तो ये चीज़ अभी क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि देखिए जब तक आपका कोई यूज़र रहेगा, और हमारा देख आईडी हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से जो भी आगे नंबर होगा ये ट्रू रहेगा उस टाइम के लिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए ये लॉगिन आईडी हमने यहाँ से करवा ली, अब देखिए हमने इसे चेक भी करा लिया, लाइब्रेरी भी लोड करवा ली, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे नेम दे देते हैं यूज़र अंडर स्कोर आई डी, और यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी वैल्यू आनी चाहिए डॉलर का साइन लॉग इन अंडर स्कोर आई डी, ये हमारी आई डी आनी चाहिए, ये यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी जो हम रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ से ये आई डी रिटर्न हो रही है, हमें इसकी आई डी मिल गई, तो सेशन में हमारे स्टोर हो जाएगी। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं सेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो आने वाले एक ये इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में आपको समझ में आ जाएगा, जब हम लॉग आउट का सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा सेशन का इम्पोर्टेंस। अब देखिए ये भी हमने कर लिया है, अब देखिए जैसे ही हमारा लॉग इन हो जाएगा, जैसे लॉग इन हो गया यहाँ से, तो उसे कहीं पर पहुँचाना भी है। देखिए इस टाइम में तो हम दिखा रहे थे पासवर्ड इस मैच या पासवर्ड इन नॉस मैच, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से रिटर्न, और यहाँ पर लिखेंगे रीडायरेक्ट,
रिडायरेक्ट हमने लिखा, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे सिंगल कोटी सिंगल कोटेशंस में। सबसे पहले तो हम देखिए, हमने अगर आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशंस में, अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन नहीं कोर सॉरी कंट्रोलर, वेर इज़ कंट्रोलर, कंट्रोलर कंट्रोलर हाँ कंट्रोलर गया, इसमें यूज़र बनाया था और इसमें हमने क्या कहा था, एक लॉगिन मैसेज लॉगिन व्यू को लोड करवा रहे थे। तो वही चीज़ करेंगे, हमारा जो यूज़र है उसके अंदर इंडेक्स फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, सबसे पहले लिखेंगे यूज़र्स और यहाँ लगेंगे स्लैश, और यहाँ पर आप लोग क्या देंगे इंडेक्स, देख ये नेम था, यहाँ पर लगाते हैं सेमाई कोलन, इस तरीके से सेव करते हैं इसे। अब इसे रन करेंगे, और एक और चीज़, जो हमारा सेशन होता है उसे हमें इनक्रिप्ट करना पड़ता है, ये डिक्रिप्ट होता है, इसको इनक्रिप्ट होता है, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। डिक्रिप्ट करने के लिए आप देख जाएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे, ये हमने खोल के रखी है पहले, यहाँ पर एक इनक्रिप्ट दे रखा है, और इनक्रिप्ट आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर वैसे हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू होती है, एक्स आपने देखा होगा बहुत बार, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है। सेव कर लेते हैं, अब इसे रन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने रिटर्न रिडायरेक्ट यूज़र स्लैश इंडेक्स किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने व्यू क्यों नहीं लोड करवाया, हमारे पास लॉगिन जो हमारा लॉगिन मैसेज था इसका व्यू हमारे पास था, तो हमने यहाँ पर इसे लॉगिन का व्यू क्यों नहीं रिटर्न करवाया। तो देखिए ये हमने इसलिए नहीं किया, अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखिए अगर मैं इसे करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इसे देखिए यहाँ, इसे अगर मैं पेस्ट करूँ इधर, ये मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यू को लोड कर रहा हूँ, कौन से व्यू को, लॉगिन मैसेज व्यू लोड को, और यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले एक डॉलर का साइन, सेव करते हैं इसे। अब देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, वही आएगा, सेम आउटपुट आएगा दोनों में, लेकिन URL में क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखिएगा। देखिए ये हमारा विजय है, यहाँ पर मैं डालता हूँ इसका पासवर्ड, हमने पासवर्ड डाला, लॉगिन करते हैं, तो देखिए लॉगिन हो गया, लेकिन अगर आप URL देखें तो वेलकम चेक कह रहा है, लेकिन वेलकम अगर हम जाएँ अपने कोड पर जाएँ, ये हमारा वेलकम है और इसका फंक्शन चेक है, इस चेक में तो हमारा कोई इस तरह से जो आउटपुट आ रहा है वैसा तो हमने कोई डिज़ाइन ही नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये आउटपुट आ जा रहा है। तो वेलकम चेक से भी हम यहाँ पर जा सकते हैं, और जो हमारा ये है कहते हैं यूज़र लॉगिन मैसेज, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, तभी मैंने आपसे बोला था कि रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे, तो देखिए इसे सही करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं रीडायरेक्ट का, कंट्रोल जेड, देखिए रिटर्न रीडायरेक्ट, यहाँ लगाएंगे सेमी कोलन और यहाँ लगाते हैं डॉलर का साइन, अब देखिएगा URL में फ़र्क, सेव करते हैं इसे अच्छे से एक और बार, देखिए इसमें वेलकम चेक नहीं आएगा उस बार, यहाँ डालते हैं अनरल, लॉगिन करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए यूज़र से इंडेक्स पर आया है, वेलकम स्लैश चेक से नहीं आया, यूज़र से इंडेक्स से आया है। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए रिडायरेक्ट करना बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए हम रिडायरेक्ट करते हैं। जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम उन्हीं यूज़र को एक्सेस करवा सकते हैं जो हमारे डाटाबेस में अवेलेबल होंगे। तो देखिए यूज़र और पासवर्ड ये डाल रखा है भाई, अभी देखिए मैंने यूज़र लॉगिन नहीं किया है, और देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से डालूँ index.php/, यहाँ पर लिखूँ user/index, तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले INE, यहाँ पर आएगा इंडेक्स, तो इससे देखिए मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ बिना लॉगिन की करे हुए, और हम इसे एक्सेस कर पा रहे थे किससे, लॉगिन करने के बाद, और बिना लॉगिन के भी मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जिससे क्या होगा, हम तभी इसे लॉगिन कर पाएंगे जब हम लॉगिन हो। तो देखिए हम जाएंगे अपने कोड में यहाँ पर, और सबसे पहले यूज़र्स में जाएंगे और यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़, और फिर लगाएंगे एक्सप्लेनेशन मार्क्स, और यहाँ पर कोड लिखेंगे, तो यहाँ लगाएंगे डॉलर का साइन, यहाँ लिखेंगे दिस, यहाँ लिखेंगे सेशन, एरो का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डाटा, यूज़र डाटा में हमारे देखा था यूज़र आईडी थी हमारी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो देखिए वही लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे जो जिनने क्या कहते हैं लॉगिन किया होगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो क्या करना है, हमें रिटर्न करवा देना है, तो हम कहेंगे रिटर्न, और रिटर्न क्या करवाना है, रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीडायरेक्ट, और इसके अंदर हम लोग पास क्या पास करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेलकम स्लैश इंडेक्स, क्योंकि वेलकम के अंदर जो इंडेक्स हमारा फंक्शन है उसमें क्या कॉल हो रहा है, वेलकम पेज कॉल हो रहा है, तो इंडेक्स कॉल कॉल कर लिया हमने, इसे क्लोज कर देंगे, इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए अगर हम पीछे जाएं यहाँ पर,
इस तरीके से ये हमारा पेज है। अगर हम अभी ट्राई करें फिर से इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश यूज़र स्लैश इंडेक्स, इस तरीके से इंडेक्स का ही बड़ा इंडेक्स, तो देखिए हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। मैंने यूआरएल डाला, एंटर मारा, यही पेज में हम आ गए। तो देखिए ये होता है सेशन का यूज़। अगर हम यहाँ पर लॉगिन करूँ मैं विजय और यहाँ पासवर्ड डालूँ, लॉगिन किया तो हम लॉगिन हो पा रहे हैं, और डायरेक्टली हम लॉगिन नहीं हो पा रहे। तो देखिए ये हमने कोड लिखा था इसके लिए। तो देखिए ये तो अभी हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन जब हमारे बहुत सारे फंक्शन होंगे तो इसको बार बार लिखने में आ जाएगी प्रॉब्लम। तो जब एक ही कंट्रोलर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक क्या होते हैं आपका बना देते हैं कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक इस तरह का ये सेशन को क्रिएट करेंगे, ये हमारा कोड लिखेंगे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि हमें बार बार अलग अलग फंक्शंस में उसे यूज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक, यहाँ लिखते हैं फंक्शन, और फिर लगाएंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट, हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को यूज़ करना पड़ेगा, इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ इसे कर देते हैं पेस्ट, और इसे कर देते हैं यहाँ से डिलीट। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखना है पेरेंट कोलन कोलन, और फिर यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्टर, ताकि ये जो कंस्ट्रक्टर है अपने पेरेंट को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट इस तरीके से, इसके अंदर कुछ पास नहीं करना है, और ये कुछ और पास कर दिया हमने सी टी कंस्ट्रक्ट इस तरीके से। समय कोलन लगाएंगे, सेव करते हैं इसे और चेक करते हैं रन कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले सिंपल, ये तो वेलकम डॉट इंडेक्स सिंपल पेज आ गया, यहाँ से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश यूज़र स्लैश इंडेक्स। तो देखिए इसे हम अब एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई एरर बता रहे है 16 नंबर पे, तो चेक करते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरीके से डबल ये नहीं लगाया डैश, तब हमारा एरर आ रहा है। इसे सेव करते हैं, अब देखिए अब नहीं आएगा एरर। तो यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं एक बार लॉगिन करने की, यहाँ इंडेक्स पी एच पी स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, तो देखिए नहीं हो पा रहा एक्सेस। और अगर हम पासवर्ड यूज़र डालें और यहाँ पर पासवर्ड डालें, लॉगिन करें इसे, तो हम लॉगिन कर पा रहे हैं। अब जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने यूज़र को लॉग आउट करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम देखते हैं पहले सही से, हाँ यहाँ पर हमें क्लिक करके लॉग आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा हमारा जो सेट वैल्यू को अनसेट कर देगा। देखिए सेट वैल्यू थी यूज़र डाटा की, इसको अनसेट कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं सबसे पहले कुछ फंक्शंस, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद पब्लिक, और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पर लिखते हैं इसे लॉग आउट, फंक्शन का हमने नेम दे दिया इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर, और यहाँ पर लिखेंगे अनसेट। अनसेट किसे करना है हमें, यूज़र डाटा को, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डाटा, और यहाँ पर इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र आईडी, ये हमने दे दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रिटर्न करवाना है जब ये लॉग आउट कर ले। तो पहले तो अनसेट हो जाए डाटा, यूज़र आईडी हमारी हट जाए, और उसके बाद हमें रिटर्न का कराना है, रिडायरेक्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ लिखते हैं रिडायरेक्ट, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉल करेंगे हम वेलकम को, जो हमारा ये मेन है वेलकम, और वेलकम से क्या होगा ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि वेलकम के बाद सबसे पहले इंडेक्स ही कॉल होता है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स कॉल हो जाता है, तो इसलिए इंडेक्स। यहाँ स्लैश लगा के इंडेक्स भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी, सेव कर देते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लॉग आउट बटन है उस पर परफॉर्म करना है ये एक्शन, ये तो वो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप जाएंगे लॉग आउट मैसेज पे, यहाँ पर जहाँ पर हेरिफ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर आप लगाएंगे एक तरीके से, सबसे पहले तो आप लगा लेंगे टैग, पीएचपी टैग लगा लेंगे, इसे क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे इजिकल टू, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे बेस यूआरएल का यूज़ करेंगे, ये हमारा हेल्पर है, और कौन सा हेल्पर है, यूआरएल हेल्पर के अंदर आता है बेस यूआरएल इस तरीके से। अब देखिए
अब हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से यहाँ लिखेंगे लॉग इन स्लैश, सॉरी यहाँ पर हमें देना है आपका वैल्यूज देनी है कि हमको आपको पाथ देना है सबसे पहले, तो यहाँ लगेंगे स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश, और अब हमें करना है वेलकम, वेलकम के अंदर स्लैश, और उसके बाद आपको क्या करना है लॉग आउट, लॉग आउट इस तरीके से। ये हमारा हो गया, अब देखिए इसे क्लोज भी कर देते हैं, सेव करते हैं इसे, अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ जाएंगे, सबसे पहला मेन पेज है हमारा, यहाँ पर लॉग इन करते हैं पहले विजय, और फिर यहाँ पर लिखते हैं मेन आर एल मंडराल, लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हो गया, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लॉग आउट हो गया। अब ट्राई करने की सोचेंगे अगर फिर से, अगर इनवैलिड वे से यूज़र स्लैश इंडेक्स है, यूज़र स्लैश इंडेक्स, तो इससे भी आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, ये हमारा उसी पेज में आ जा रहा है। तो इस तरह से आप लॉगिन भी कर सकते हैं जो हमने आपको पहले वाले ट्यूटोरियल्स में बताया, फिर आप उसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वही यूज़र एक्सेस कर सकें जिन्हें लॉगिन कर रखा हो, और लॉग आउट कैसे करके हैं वो आपको बता दिया हमने, आप इन्हें ट्राई कर लीजिए। और भी क्या होते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं आप, हम डिज़ाइनिंग पार्ट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये हमारा सी एस एस का कोर्स नहीं है, हमारा कोऑर्डिनेटर का है, जो कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जो भी कोड होगा हम वो आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।